ब्रॉट यू बाय इंडिपेंडेंस। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कणकण में स्वाद, कणकण में भारत। किसी ने क्या खूब कहा है कि ज्यादा लालच किसी को भी फंसा देता है। ऐसा ही एक मामला उन्नाव से आया है। बताया जा रहा है कि यहाँ एक चिटफंड कंपनी ने 15 दिन में पैसे डबल करने का झांसा देकर गरीबों के लाखों करोड़ों लूट लिए और फरार हो गए। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी ने किसी को हफ्ते भर तो किसी को 10 दिन में पैसे दुगने करने का लालच दिया था। आरोप है कि ये लोग शेयर बाजार और चिटफंड से कंपनी को चलाने की बात कहते थे। दरअसल उन्नाव के बांगरमऊ थाना क्षेत्र के अरबाज एंटरप्राइजेज नाम से ये कंपनी चल रही थी। बताया जा रहा है कि लोगों ने कंपनी के झांसे में आकर इसमें अपनी पूंजी लगाई। कुछ दिनों तक कंपनी ने लोगों को भरोसा दिलाने के लिए पैसे भी दिए। फिर जब लोगों को विश्वास हो गया तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों, दोस्तों वगैरह के पैसे भी इसमें लगवा डाले। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कई महिलाओं ने अपने गहने गिरवी रख के पैसे जमा किए, इस उम्मीद में कि जब पैसे डबल हो जाएंगे तो वो अपने गहने वापस ले लेंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा। आरोप है कि कंपनी ने कई लोगों को झांसा देकर के पैसे जमा कर लिए और अचानक एक दिन गायब हो गई। लोगों ने कई दिनों तक कंपनी के चक्कर काटे पर कोई रास्ता नहीं दिखा, जिसके बाद गुस्साए लोग कंपनी के संचालक के घर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत करवाया। इस बारे में इलाके के पूर्व सभासद सुनील कुमार ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि कंपनी के लालच में उन्होंने अपने दोस्तों के 53 लाख रुपए लगवा दिए थे, लेकिन अब न ही उन्हें कोई मिल रहा है, न उनके पैसे वापस मिल रहे हैं। मिल रही है तो बस तारीख। सभासद रहे हैं एक शेयर बाजार नाम से, अयाज कासान, आमिर अदनान, 4 लोग चलाते थे, जिसके कारण आज मुरादाबाद पूरी तरह से तबाह हो गया है। ना कोई सुनने वाला अधिकारी है, ना ही मंत्री, ना ही नेता, पूरी तरीके लोगों के चूने तक घुस गए हैं। कितना पैसा आपने लगाया था? हमारा पैसा करीब 10 लोगों का लगा है, दोस्तों का 53 लाख रुपए लगा है। जब जाओ ना ही उनकी वरासत हो रही, ना उनके कागज तैयार हो रहे हैं। सनी देवल की तरीके से पता नहीं कितनी तारीख मिल गई, हम लोग खुद परेशान की दूसरी पिक्चर रिलीज हो रही है। मामले में बांगरमऊ के CEO अरविंद चौरसिया का भी बयान सामने आया है। उनके मुताबिक 4 महीने पहले भी फर्जी चिटफंड की जानकारी दी गई थी। लोगों की तहरीर पर मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया था, लेकिन फिर पीड़ित दोबारा नहीं आए और अब फिर हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी चलाने वाले अयान और उसके परिवार के लोग इसमें शामिल हैं, जो आम लोगों को स्कीम में पैसा लगाने को कहते थे। 15 से 20 दिन में पैसा डबल करने का लालच भी दिया जाता था। पुलिस ने आगे बताया कि कंपनी के भाग जाने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया। हालांकि उन्हें कानून अपने हाथ में न लेने की हिदायत भी दी गई थी। फिलहाल लोगों की तहरीर पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। देखिए, एक बड़ी संख्या में आया करीब 4 महीने पहले, जब अयाज नाम के व्यक्ति ने एक फर्जी रूट की कहानी यहाँ रची थी और उसके बाद से यहाँ पर लोग सामने खुल के आए, लेकिन वो फिर भी एप्लीकेशन देने पे नहीं आए। 4-5 लोग एप्लीकेशन दिए तो उनका मुकदमा भी दर्ज हुआ। इसमें ये प्रकाश में आया कि अयाज और उसके परिवार के जो लड़के हैं वो सभी लोग यहाँ की आम जनता से पैसा लेते थे, उनको स्कीम बताते थे कि मैं इस पैसे को 15 दिन में डबल कर दूंगा, 1 हफ्ते में डबल कर दूंगा, इस तरह की चीजें करके उनके घरों, यहाँ की माताओं के सोने जेवरात उन सबको अपने पास रखवा लिए। उसके बदले इन्होंने पैसे लिए और पैसे को कहाँ लगाया, कहाँ नहीं लगाया, कुछ लोगों के पैसे इन्होंने वापस भी किए हैं, लेकिन काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके कोई पैसे वापस नहीं किए। तो ऐसे में जिन लोगों ने तहरीर दी उनको मुकदमा दर्ज किया गया, परंतु यहाँ पर लोगों का आक्रोश आपस में बढ़ रहा, तो ये पुलिस से उनके आदान प्रदान विचारों का या संवाद नहीं हो पा रहा था कि इनके कानूनी अधिकार क्या है। उसके लिए आज हम यहाँ पर सभी लोगों को इकट्ठा किए और इनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया गया और इनको साफ मना किया गया कि किसी भी कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, नहीं तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी, क्योंकि धन तो गया ही है, ऐसा ना हो कि आप मुकदमा भी अपने ऊपर ले लें। तो ऐसे में एक पीड़ित के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाना अपराध बोध होता है हम लोगों को भी, इसलिए इनको एक समझाने के लिए एक पाठशाला टाइप की एक संवाद या एक विचारों का आदान प्रदान या इनके कानूनी अधिकारों को यहाँ बताया गया और आगे ये सभी लोग हमारे साथ हैं और इनकी जितनी भी तहरीरें आएगी, जो भी इन्होंने पैसे दर्ज दिए हैं उसके ट्रांजेक्शन लेते हुए इनके सभी आयात परिवार वालों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किया जाएगा, उसमें कार्रवाई होगी। उन्नाव से सूरज कुमार सिंह की रिपोर्ट, UP तक।